and welcome to the YouTube channel of Wingz aqurant. so let's make it together. hello everyone and welcome to Wingz aqurant. how are you all doing? Uh, i hope you all are staying home, staying safe. and this is a continuity lecture. last lecture में हमने कुछ important topics के बारे में पढ़ा था जैसे आपका रक्षिता आगे, desert night, twenty one, वो सब topics आगे. इस lecture, इस continuous lecture अब हम इसके आगे के जो current affairs हैं important uh, January में उसको हम पढ़ेंगे. फर्स्ट द टॉपिक इज़ द क्वेश्चन आर क्वेश्चन आर इसीलिए आपके इसमें आया है बिकॉज हाल ही में जो क्वेश्चन आर जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था क्यों सस्पेंड कर पहले तो ड्यूरिंग द मानसून सेशन तीन सेशंस होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं द थ्री सेशंस आर दैट इज नंबर वन इज़ द बजट सेशन ठीक है एक आपका बजट सेशन आता है दूसरा आपका मॉनसून सेशन आता है और तीसरा आपका विंटर सेशन आता है ये तीन भी आपको पूछ सकते हैं हाउ मेनी सेशन आर देयर देर आर थ्री सेशन्स ठीक है और जो पार्लियामेंट है उसको मैक्सिमम गैप जो दो सेशन में हो सकता है दैट इज सिक्स मंथ्स उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ठीक है सो दीज आर द थ्री सेशंस नाउ जो आपका मॉनसून सेशन था उसमें आपका क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था क्यों सस्पेंड कर दिया गया था इसीलिए किया था बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक पैंडमिक के चलते द सेशन वॉज बीन सस्पेंडेड नाउ फर्स्ट इज क्वेश्चन आर क्योंकि सस्पेंड हुआ गया है तो क्वेश्चन आर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन आर की बात करें सो वॉट इज द क्वेश्चन आर क्वेश्चन आर इज एक्चुअली द फर्स्ट जो आर होता है हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग uh, का उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आर ठीक है अब इसमें क्या होता है uh, इसमें आपका पहला तो आ गया फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग नाउ

के हो, हो सकते हैं एक आपके मिनिस्टर्स हो सकते हैं और एक आपकी प्राइवेट मेंबर्स हो सकते हैं मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री हो और प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है बट उनके पास, उनके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है दे आर मेंबर्स बट दे आर डोंट हैव एनी मिनिस्ट्री दे आर कॉल्ड एज प्राइवेट मेबर्स तो ये क्वेश्चन uh, आर में ये लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन आर इन बोथ द हाउसेज इज़ हेल्ड ऑन ऑल द डेज ऑफ द सेशन जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट आर ऑफ़ द पार्लियामेंट्री सिटिंग इज द क्वेश्चन आर तो बोथ बोथ द हाउसेज राज्यसभा एज वेल एज द लोकसभा उसमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं बट देर देर आर टू डेज वेन क्वेश्चन आर एग्जेम्टेड मतलब दो एक्सेप्शन होती हैं हर पार्लियामेंट्री सिटिंग में आपका क्वेश्चन आर होता है दो को छोड़ के दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक तो होता है जब कभी भी बोथ हाउसेस दिस देर इज़ नो क्वेश्चन आर ऑन द डे जब प्रेजिडेंट एड्रेस करता है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स को फ्रॉम बोथ द हाउसेज इन देंट्रल हॉल जब दोनों हाउसेज को एड्रेस करते हैं प्रेजिडेंट उस टाइम पर क्वेश्चन आर को एग्जेम्ट किया जाता है इसी के ही साथ जिस दिन पर नॉट शेड्यूल्ड ऑन द डे जिस दिन बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं ना बताते हैं आपको लाल रंग का आप पहले तो ब्रीफ के साथ आप तो लाल रंग की उसमें आता है तो उनको क्या करते हैं बजट जिस दिन वो प्रेजेंट करते हैं उस दिन भी क्वेश्चन आर को शेड्यूल नहीं किया जाता है ठीक है नाउ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ द हाउसेज राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा हैव द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आर दोनों में फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हु इज़ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर तो चेयर में बैठा होता है अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ थी जब इतना वैसे तो जो आपका ये होता है हाउसेस होते हैं वो एक तरीके का जंग का मैदान ही होता है तो वहाँ पे भी हमने कुछ दिन पहले देखा कि उन्होंने पेपर्स जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुंह पे उड़ा दिए और ऐसे उड़ा दिए थे जो आर एस टी वी में कवर भी किया था इन लोगों ने चलो खैर प्रिजाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का इट्स द चेयरमैन एंड लोकसभा का इट्स द स्पीकर दे हैव द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आर नाउ क्वेश्चन आर की अगर हम बात कर रहे हैं देर आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड अब क्या होता है क्वेश्चन आर है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीन काइंड के क्वेश्चन होते हैं देर आर थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन वन इज द स्टार्ट क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट स्टार्ट मतलब जिसके आगे ऐसे एस्ट्रिक साइन लगा होता है स्टार बना होता है दूसरा इज द अनस्टार्ट क्वेश्चन जिसके आगे कोई भी Uh, कुछ नहीं लगा होता और तीसरा होता है आपका शॉर्ट नोटिस कौन सा होता है जी आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है स्टार्ट क्वेश्चन की बात करें तो इट रिक्वायर्स ओरल आंसर स्टार्ट क्वेश्चन इट रिक्वायर्स ओरल आंसर ओरल आंसर आपको देना होता है जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो आप उसके ऊपर सवाल जवाब कर सकते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो होता है रिटर्न आंसर क्या होता है रिटर्न आंसर होता है एंड एनहेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के नॉट फॉलो शॉर्ट नोटिस की बात किया जाए एज द नेम सजेस्ट आपको उसके लिए एक शॉर्ट नोटिस देना पड़ता है ऑफ लेस देन टेन डेज बस इतना आप याद रखें ठीक है एंड क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो आस्ट बाय द प्राइवेट मेंबर्स ठीक है नाउ देर आर टू टाइप्स ठीक है क्वेश्चन आर होता है और एक आपका जीरो आर होता है जीरो आर की बात किया जाए इट इज बेसिकली इन बिटवीन क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा ऑफ द डे जो बीच का होता है उसको हम जीरो आर कहते हैं एजेंडा ऑफ द डे मतलब जिस काम के लिए हम एक्चुअली जो रेगुलर बिजनेस है उस हाउस का जब तक वो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एजेंडा ऑफ द डे और जीरो आर होता है जस्ट बिफोर द एजेंड ऑफ़ द डे एंड आफ्टर द क्वेश्चन आर ठीक है नाउ वेन आई टोल्ड यू अबाउट द रूल्स ऑफ प्रोसीजर आई आई टोल्ड यू किसको आपको याद रखना है याद इसी लिए रखना है अनलाइक द क्वेश्चन आर

यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा गाइस मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन उसके साथ साथ वीडियो कोर्स स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इन दिस कोर्स गाइस फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो बी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं जिन्होंने मेन्स लिख रखा है जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं

नेक्स्ट इज राजस्थान बिकेम फिफ्थ स्टेट टू कम्प्लीट यू एल बी रिफॉर्म अर्बन लोकल बॉडी अर्बन लोकल बॉडी आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है ओब्वियसली ये वो बॉडीज़ होगी जो आपकी अर्बन और जो अर्बन एरियाज़ में काम करिए लोकल लेवल पर राजस्थान बनी है फिफ्थ स्टेट राजस्थान हैज़ जॉइंट फोर अदर स्टेट्स वॉट आर द नेम्स आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश मणिपुर एंड तेलंगाना ठीक है समझ आ गया नथिंग टू बी कुछ इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है लेकिन ये जनवरी का करंट अफेयर है अगर हम हाल ही की बात करें तो फेबररी में इसको एक और स्टेट ने ज्वाइन कर दिया है राजस्थान फिफ्थ स्टेट बिल्कुल करेक्ट बट आर देर ओनली फाइव स्टेट्स नो सिक्स स्टेट जो है दैट इज़ गोवा ठीक है सो गोवा हैज ज्वाइंट फाइव अदर स्टेट्स वॉट आर द स्टेट्स राजस्थान आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश मणिपुर तेलंगाना ये छः की छः हैं जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है आपका अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म डन चलो नेक्स्ट इज थ्री स्टेट्स एंड थ्री एंटी कन्वर्जन बिल्स इन तीन स्टेट्स हैं जिन्होंने थ्री एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं उनको लाया है नाउ ये जो है इट इज़ इन रिलेशन टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 नाउ हाल ही में जो मध्य मध्य प्रदेश का कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल प्रीवियसली इट वाज उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश जिन्होंने इस तरीके के सिमिलर लॉस को प्लेस किया था नाउ uh, इसको समझना uh, इतना याद रखें इट इज़ बेसिकली अ बिल टू स्टॉप फोर्स्ट रिलिजन कन्वर्जन कि जब भी शादी करने के लिए फोर्सफुली अगर रिलीजन का कन्वर्जन किया जाता है तो ये तीनों स्टेट्स तीनों की तीनों ने कहा है कि हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे तो कॉमन फीचर क्या है इन इस लॉ का इन तीनों स्टेट्स में कि अगर कभी भी डिक्लेरेशन ऑफ सच मैरिज फोर्सफुली होगा तो इट इज़ नल एंड वॉयड बाय ऑल द थ्री हुआ द थ्री मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश वॉट आर द डिफरेंस द डिफरेंस इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मतलब कहीं पर दो है कहीं पर तीन है कहीं पर चार है कभी किसी स्टेट में तीस दिन का प्रायर नोटिस देना है किसी स्टेट में सिक्सटी डेज का प्रायर नोटिस देना है हमको वो याद रखने की जरूरत नहीं है कितना दिन कितना करना है ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज़ इट इज़ इन रिलेशन टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी और तीन स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको पास किया हुआ है ठीक है अप्रूव किया है इस बिल को डन चलो आगे अ ग्लोबल चैलेंज टू डिलीवर वैक्सीन सेज डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो डब्ल्यू एच ओ है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बोला है कि वैक्सीन तो ठीक है आ गया ठीक है वैक्सीन तो हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ उसने बोला है कि ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज द ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज इवन मोर चैलेंजिंग वाई क्योंकि इस वैक्सीन को ऑल ओवर हमने जो है बांटना भी है एंड ओके रीड द लाइन 2021 विल बी द ईयर इंडिया फेस द चैलेंज ऑफ गेटिंग डेम टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु मोस्ट नीडेड क्योंकि अगर आप देखेंगे को देखेंगे तो हमारी गवर्नमेंट की काफ़ी निंदा भी की गई थी इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने हमारे यहाँ पे इतना शॉर्टेज हो गया था वैक्सीन को और हमने कितने यू नो बाहर की कंट्रीज अफ्रीका वगैरह वहाँ पर हमने अपना कोविड नाइन्टीन का जो वैक्सीन था उसको दिया था राइट right. तो वही कहते हैं कि इट इज़ अ बिगर चैलेंज कि अक्रॉस द वर्ल्ड किस किस को ज्यादा जरूरत है और अपनी कंट्री को भी फुलफिलमेंट करने के लिए ज़रूरी है कौन कहता है कहते हैं यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन नाउ हु इज ही ही इज बेसिकली फॉर्मर आपके हेल्थ मिनिस्टर जब इन्होंने ये कहा था उस टाइम पे हुज ही हेल्थ मिनिस्टर दैट टाइम बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें सो ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाई क्योंकि इन्होंने इनका जो मिनिस्ट्री है अब इनके पास नहीं है अब जो प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर है इट इज़ श्री मनसुख लाल मंदाविया वॉट इज इट इट इज श्री मनसुख एल मन दाविया ठीक है सो मनसुख एल मंदाविया इज़ द करंट आपके हेल्थ मिनिस्टर लेकिन जब ये चीज़ आई थी उस टाइम पे हर्षवर्धन बुस्तो हेल्थ मिनिस्टर ठीक है और अभी के टाइम पे ये कौन है फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड आज के टाइम पे ये देखो जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर लिखे ना इसके ऊपर फॉर फॉर्मर लिख दो ये पहले थे अब नहीं है एंड द चेयरमैन ऑफ द प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम एग्जेक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड किस बला का नाम है सबसे पहली बात तो इट इज़ वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं एक आ गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड और दूसरा आ गया आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सो एग्जेक्यूटिव बोर्ड एंड द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आर द टू इम्पॉर्टेंट आर्म्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमली बीन इन न्यूज ओवर द पास्ट टू ईयर्स ठीक है हेड क्वार्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट जेनेवा स्विट्जरलैंड किसके डब्ल्यू एच ओ के ठीक है अब जो ये बोर्ड है ये बोर्ड होता क्या है हर्षवर्धन है इनके एग्जीक्यूटिव अब याद रखना ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इट इज़ कम्पोज ऑफ थर्टी फोर मेम्बर्स जो टेक्निकली अच्छे से क्वालिफाइड हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ ऑब्वियसली जो बोर्ड चेयरमैन का पोस्ट है इट इज़ हेल्ड इन रोटेशन फॉर वन ईयर मतलब एनुअली जो है रोटेशन में इनका चेयरमैन जो है वो चेंज होता रहता है मेम्बर्स कितने हैं थर्टी फोर मेबर्स हैं चेयरमैन एक साल का मेंबर्स तीन साल के मेंबर तीन साल के और चेयरमैन एक साल का ठीक है अब फंक्शन क्या इनका फंक्शन है सेट एजेंडा फॉर द हेल्थ असेंबली आई टोल्ड यू दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं हेल्थ असेंबली है और दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसको एजेंडा सेट करने होते हैं और फॉरवर्ड करने होते हैं टू द असेंबली जिन्होंने आगे जाके इसको एडॉप्ट करना है इसी के अलावा ये ये अपने डिसीजंस और पॉलिसीज जो हैं वो पुट फॉरवर्ड करते हैं हेल्थ असेंबली के आगे एडवाइस करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं इट्स वर्क द बोर्ड एंड द असेंबली क्रिएट्स अ फॉरम फॉर डिबेट मतलब अगर कोई भी इशू है कुछ भी है उसके ऊपर डिबेट करते हैं और फिर एड्रेस करते हैं मेम्बर स्टेट्स को डन नाउ बोथ द बोर्ड एंड द असेंबली प्रोड्यूस थ्री काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो बोर्ड है और असेंबली मतलब हेल्थ असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड वो तीन तरीके के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं रेजोल्यूशन डिसीजन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक अब इज इंडिया अ पार्टी टू द डब्ल्यू एच ओ कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया बिकेम द पार्टी मतलब इट इज अम्बर ऑफ द डब्ल्यू एच ओ कब ज्वाइन किया था नाइनटीन फोर्टी एट में ज्वाइन किया था इंपॉर्टेंट फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर जो थे दैट इज डॉक्टर चंद्रमणि किसके थे वो फ्राम साउथ ईस्ट एशिया रीजन इसके रीजन्स होते हैं छः इम्पॉर्टेंट रीजन्स होते हैं जहाँ से ये एनुअली चेयरमैन आते हैं अगर हम फर्स्ट चेयरमैन की बात करें जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन से हैं जो हमारा हिंदुस्तान भी आता है उसमें जो पहले चेयरमैन बने थे डॉक्टर चंद्रमणि इंपॉर्टेंट नाम है याद रखने के लिए उन्होंने सर्व किया था इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि ये एक इंडियन थे ही वॉज द इंडियन जो फर्स्ट चेयरमैन बने रीजनल डायरेक्टर बने थे आपके साउथ ईस्ट एशियन रीजन से डन चलो नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें उनके अकॉर्डिंग जो सबसे पिछले 25 साल में अगर हम बात करें तो सबसे जो लो गया है ना अगर हम गोल्ड डिमांड की बात करें इंडिया में सबसे लो इसी बार गया है कब गया है दो ट्वेंटी ट्वेंटी में गया है कब लो ऐट फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर टन एज़ कम्पेयर टू ट्वेंटी नाइनटीन की बात करें तो वो सिक्स नाइन्टी के आसपास था और ये क्यों है क्यों हुआ है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पैंडमिक ठीक है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात कर लें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सबसे पहले तो इसका क्वार्टर्स कहाँ पर हेड क्वार्टर्स आर एट यूनाइटेड किंगडम लेकिन इनके ऑफिसज़ बहुत जगहों पर हैं इंडिया में भी है चाइना में भी है सिंगापुर में भी है जापान में भी है और यू एस में भी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का काम क्या है इट बेसिकली वो वर्क करता है एक्रॉस द पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री जैसे आपका गोल्ड माइनिंग है आपका इन्वेस्टमेंट को ले की बात करें सस्टेन करना स्टिमुलेट करना डिमांड ऑफ गोल्ड ये सारा का सारा काम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ही करता है इसी के साथ ये हेल्प और सपोर्ट करता है अपने मेंबर्स को ताकि एक रिस्पॉन्सिबल वे में जो आपका गोल्ड है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके डन चलो नेक्स्ट इज द जी सेवन समिट यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में इंडिया को इनवाइट किया था फॉर द जी सेवन समिट इज इंडिया द पार्ट ऑफ दी सेवन समिट नो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ पहली बात तो जी जी सेवन समिट नहीं इज इंडिया द पार्ट ऑफ जी सेवन नो इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ जी सेवन कौन कौन से मेंबर्स हैं जी इसके वेलकम एवरी वन गाइजेपी एट हंड्रेड पोस्ट रिकमेंड हो चुकी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन प्रिपरेशन शुरू में से आपके साथ वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एस कोर्स मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते जो फार्फलेंड एरियाज से हैं उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे प्रॉपर गाइड करते रहेंगे ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है दोस्तों रिंग से कुरान से पहले आई वॉज फाउंडर ऑफ आर एस अकेडमी जिसपे मोर देन फिफ्टी स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है तो दोस्तों इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए

इटली फ्रांस जापान, आपका यूके एंड दैट इज कैनेडा ये है आपके ठीक है ये देख रहे हैं आप जर्मनी इटली फ्रांस जापान, कैनेडा ठीक है एंड यूके एंड यूएस ठीक है ये सब है आपके जी सेवन के पार्ट नाउ जब ये जी सेवन बना था तब ये जी सेवन नहीं था इनिशियली इट वाज जी एट जो बना था आपका 1975 में और G8 का मतलब एक और कंट्री थी कंट्री थी रशिया ठीक है लेकिन 2014 में 2014 में जब क्रिमिया यूक्रेन की जो टेरिटरी थी उसको रशिया ने अपने अंडर ले लिया जिसके चलते इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया ठीक है अभी भी बात चल रही है रशिया को वापस लेने की लेकिन ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कह रहे हैं कि इट इज़ इलीगल ठीक है नाउ वॉट इज द कंटेक्स्ट द कंटेक्सट इज कि यूके ने इन्वाइट किया था इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को ऑल द थ्री नेम्स आर इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकते हैं हु ऑल इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया ऑल ऑफ दी दब है इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया को जी सेवन सम्मिट में इन्वाइट किया गया था एज गेस्ट कंट्रीज ठीक अब ये सेवन क्यों बना था 1975 में G7 बना था बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज को लेके जितनी भी उस टाइम पे इंडस्ट्रियल पावर्स थी उन सब ने आकर टुगेदर इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था ठीक है मैंने आपको बता दिया नाम कैसे याद रखने हैं कैसे नाम रखने ठीक है थीके? जर्मनी इटली फ्रांस जापान यूके यूएस और सी से कनाडा एक दो तीन चार पाँच छः सात जी सेवन और पहले जी एट था प्लस रशिया नाउ आई जस्ट टोल्ड यू हाउ जी सेवन बिकेम जी एड रशिया वॉज फॉर्मली इंडक्टेड एज अ मेंबर इन नाइनटीन नाइनटी एट और फिर लेटर ऑन इट अगेन इट बिकेम फ्रॉम जी सेवन टू जी एट और फिर दो हजार चौदह में जब इसको बाहर निकाल दिया गया फिर जी एट बन गया वापस से जी सेवन ठीक ऑल राइट सो दीज और सम ऑफ द अदर टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं नाउ इसमें एक और चीज़ दैट आई वुड लाइक टू एड इज अगर हम बात कर रहे हैं आपका uh, ये जनवरी की बात करें सो जनवरी को हम फिनिश नहीं कर सकते बिफोर टॉकिंग अबाउट द पदमा अवॉर्ड्स नाव सेवन वर अवार्डेड इस बारे जो पदमा अवार्ड्स हुए हैं आपको पता है छब्बीस जनवरी को दिया जाता है रिपब्लिक डे एवरी ईयर रिपब्लिक डे के मौके पर पदमा अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं नाओ सेवन वर अवार्डेड द पद्म विभूषण पदमा अवार्ड्स को कैटेगराइज़ किया गया है तीन हिस्सों में मतलब पदमा अवार्ड्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है तीन हिस्सों में पहला सबसे नीचे पद्मश्री उसके ऊपर इट इज़ द पद्म भूषण और उसके ऊपर इट्स द पद्म विभूषण ठीक है और पद्म विभूषण के भी ऊपर नॉट पार्ट ऑफ पद्म अवार्ड लेकिन जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज द भारत रत्न ठीक है सो दिस ईयर 26 जनवरी 2021 में सात लोगों को अवार्ड किया गया आपका पद्म विभूषण दस लोगों को अवार्ड किया गया आपका पद्म विभूषण और एक लोगों को आपके पद्मश्री दिया गया सेवन टेन एक सौ दो ये नंबर याद रखें सात लोगों को पद्म विभूषण दस को पद्म भूषण और एक सौ दो को पद्मश्री यू डोंट नीड टू रिमेंबर हु ऑल गॉड द पद्मश्री अवार्ड बिल्कुल याद रखने का ज़रूरत नहीं है आपको एक सौ दो नाम है कैसे याद रहेंगे लेकिन पद्म विभूषण किन किन को मिला है वो आपको याद रखना है और पद्म भूषण को एक बारी ऊपर से नजर मान लीजिए जस्ट इन केस पेपर में आए तो आप कर लें लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इज़ ओनली योर पद्म विभूषण ठीक है

सोशल वर्क पब्लिक अफेयर्स साइंस इंजीनियरिंग ट्रेड इंडस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर एजुकेशन एंड सो मैनी स्पोर्ट्स वगैरह में भी दिए जाते हैं जो पद्म विभूषण है इट इज़ बेसिकली एन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंगविश सर्विस जब किसी ने कोई बहुत ही एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश काम किया है तो उसको पद्म विभूषण दिया जाता है पद्म भूषण दिया जाता है आपका डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर और पद्मश्री दिया जाता है एनी डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी ऑफ द फील्ड ये जो अवार्ड हैं ईयरली दिए जाते हैं आपके कब रिपब्लिक डे के मौके पर तो रिपब्लिक डे के मौके पर ईयरली ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है पद्म भूषण की बात करें वेरी इंपॉर्टेंट नेम श्री शिजू आबे शिजू आबे कौन है फॉर्मर जो है जापान के प्रेसिडेंट सो so उनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में ही इज़ बीन अवार्डेड एज पद्म विभूषण इसके अलावा एसपी पी बाल सुब्रमण्यम जिनको आर्ट की फील्ड से रिमेंबर पोस्थोमसली इनका डेथ हो गया था लेटर ऑन इनको ये पद्म विभूषण जो है उससे नवाजा गया है सो एस पी बाला सुब्रमण्यम इन द फील्ड ऑफ आर्ट इनको ये दिया गया है इसके अलावा डॉक्टर बेली मोनापा हेगड़े उनको इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बिलोंगिंग फ्रॉम कर्नाटका उनको ये अवार्ड दिया गया है आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पदमा अवार्ड्स ठीक है इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये यू को बिलोंग करते हैं तो ये भी नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है श्री ननंद नरेंद्र सिंह कपाने इनको भी पोस्टमसली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग द अवार्ड हैज़ बीन गिवन इसी के अलावा मौलाना वहीद वहीदुद्दीन खान इनको इन स्पिर की फील्ड में बिलोंगिंग फ्रॉम दिल्ली इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया इसके अलावा बी बी लाल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट डेली श्री सुदर्शन साहू इन द फील्ड ऑफ आर्ट फ्रॉम ओडिशा इनको दिया गया है ऑल द पद्म विभूषण सो हु ऑल शिंजू आबे एस पी बाल सुब्रमण्यम बेले मुन्प्पा हेगड़े नरेंद्र सिंह मौलाना वहीदुद्दीन वहीदु खान बीबी लाल एंड सुदर्शन साहू इन सात के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं ठीक इसके अलावा पद्म भूषण दस पद्म भूषण दिए गए हैं एम एस कृष्णन नायर शकुंता कुमारी चित्रा इन द फील्ड ऑफ आर्ट श्री तरुण गोगोए श्री चंद्रशेखर कम कम्बारा, सुमित्रा महाजन जो फॉर्मर स्पीकर भी रह चुकी हैं नृपेंद्र मिश्रा राम विलास पासवान केश केशभूभाई पटेल श्री कल्बे सदीक श्री रजनीकांत देवीदास श्री त्रिलोचन सिंह पब्लिक अफेयर्स इन सबको आपके पद्म भूषण से नवाजा गया है आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ द पद्म श्रीज़, बिकॉज वो 102 नाम है नोबडी इज गोइंग टू यू ठीक है सो दीज आर द नेम्स जिनको पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से नवाजा गया है डन ऑल राइट इंपॉर्टेंट नेम डांसर न नर था नत नाज बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ट्रांस कम्युनिटी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया विच इज़ द थर्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री नाउ ये जो है इनका नाम इम्पॉर्टेंट है शी इज़ द फर्स्ट पर्सन ट्रांस कम्युनिटी ट्रांसजेंडर हैं ये जिनको ये अवार्ड दिया गया है क्या इस साल दिया गया जी नहीं ये 2019 की बात है ये 2019 की बात है जब इनको ये अवार्ड दिया गया था पद्मश्री से इनको नवाजा गया था नाओ इनादर इनादर थिंग इस साल इज़ देर एनी बडी एनी पर्सन फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिनको ये अवार्ड दिया गया है येस देर इज़ वन पर्सन जिनको हु बिलोंग्स फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और इनको इस साल शी विल ये विल भी लिखा है क्योंकि ये तब की बात है जब इनका अनाउंसमेंट uh, हुआ था बट नाउ शी हैज़ ऑलरेडी गॉड सो शी बिकेम द अवार्डी

ऑफ़ कर्नाटका जनपदा अकेडमी तो ये कर्नाटका की जनपदा अकेडमी की फर्स्ट ट्रांस वीमेन बनी है जो प्रेजिडेंट बनी है ठीक है जो गाती इज अ जो ये है शी इज अ ट्रांसजेंडर फोक डांस ऑफ जोजमा हेरिटेज ये भी आप याद रखिएगा इनको भी आर्ट की फील्ड में मिला है अगर पूछा जाए इन विच फील्ड तो इनको आर्ट की फील्ड में मिला है और कहाँ से कर्नाटका कोर्स एंड शी इज़ द फर्स्ट ट्रांस ट्रांसवीमेन प्रेजिडेंट ऑफ द कर्नाटका जनपदा अकेडमी और इस बार इनको क्या मिला है पद्मश्री मिला है डन So, these were a few more important topics related to your current affairs for January. And thank you, guys. Stay home, stay safe, and keep preparing. Thank you.